नमस्ते बच्चों, आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम जानने वाले हैं कैसे किसी तत्व के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी से आपको उस तत्व की संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या, उसका अणु सूत्र कैसे लिखा जाएगा, किन किन यौगिकों से वह क्रिया करने वाला है, उनके अधिकांश केमिकल कैरेक्टर और बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके अधिकांश चीजों की जानकारी आपको देता है और यह 9th से स्टार्ट होता है और बड़ी क्लासों तक चलता है। 9th, 10th के बाद आपको हर क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत पड़ती है, परंतु बहुत सारे बच्चों को कुछ तक एक से बीस तक या 25 तक 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आता है और उसके बाद वो कंफ्यूज होने लगते हैं। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम शुरू से देखते हैं और पता करते हैं कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनता है। तो आज हम किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की विधि सीखेंगे और इस विधि में शुरू से 1 से लेकर 118 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की विधि सीखेंगे, यानी इस प्रकृति में जितने भी तत्व हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आपको आ जाए। तो चलिए ध्यान से चीज़ों को देखते हैं और थोड़ा पेशेंस रखते हैं और एंड तक आप इसको देखते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा। आज के बाद आपके लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों की संयोजकता, रासायनिक क्रियाएं, अणु सूत्र लिखने का तरीका और ऑक्सीकरण अवस्था, ऐसी चीजों की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसको है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, किसी परमाणु के चारों तरफ यानी परमाणु में नाभिक के चारों तरफ अलग अलग कई सारे कोष होते हैं। उन कोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कुल मिलाकर अधिकतम 7 कोष होते हैं और इन 7 कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है बोर-वरी नियम के अनुसार और दूसरी विधि है अफबाउ नियम के अनुसार। तो आज के इस वीडियो में हम पहली विधि यानी बोर-वरी नियम के अनुसार सीखने वाले हैं। तो चलिए आपको मैं जानकारी देता हूं। यह है कोई परमाणु का नाभिक और इस नाभिक के चारों तरफ ये वृत्ताकार पथ बनाया मैंने, इसे कोष कहते हैं। इस नाभिक की ओर से पहले कोष का नाम होता है के। इसके बाद एक और कोष आएगा जिसका नाम होगा एल। इसके बाद एक और कोष आएगा जिसे एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाहर एक और कोष आता है जिसे एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाहर एक और कोष आता है जिसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है। फिर उसके बाद पी आएगा, फिर उसके बाद क्यू आएगा। इस तरह से परमाणु के नाभिक के चारों तरफ त्रिविम में एक क्षेत्र होता है, एक निश्चित पथ होता है जहां इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, इस सिस्टम को, इस वितरण को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मतलब कि के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल कोष में कितने होते हैं, एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से अलग अलग कोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पहला नियम जो प्रारंभिक ज्ञान है, बोर-बरी का नियम। इस नियम के अनुसार आपको कुछ बातें याद रखनी है, जिनमें से सबसे पहली बात, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या
2n स्क्वायर होती है। चाहे वो कोई भी कोष हो, उस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर सूत्र से ज्ञात की जाती है। यहां पर n नाभिक की ओर से कोष क्रमांक है, जैसे k कोष के लिए n बराबर 1, क्योंकि नाभिक की ओर से पहले नंबर पर k आ रहा है, तो k कोष के लिए n बराबर 1 होगा। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकाली जाएगी, वो निकलेगा 2n स्क्वायर से, यानी कि 2n की जगह 1 रखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2 × 1 = 2। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको k कोष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है, अधिक से अधिक k कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। इसके बाद आता है l कोष, k के बाद l कोष, तो l कोष में l कोष के लिए n बराबर 2 होता है, क्योंकि नाभिक की ओर से यह दूसरे नंबर पर उपस्थित है। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी 2n स्क्वायर, यानी 2n की जगह रखें 2 का स्क्वायर, यानी 2 × 2 का स्क्वायर 4 बराबर 8। यानी आप l कोष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसी तरह से m कोष में यही फॉर्मूला लगा दिया जाए 2n स्क्वायर का, तो अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, और n कोष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। 32 से ज्यादा किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि 32 से अधिक पहुंचते ही इलेक्ट्रॉन यानी परमाणुओं की संख्या 118 पूरी हो जाती है, 118 परमाणु में पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, जो कि अभी तक की अधिकतम परमाणुओं की संख्या है। अतः n कोष मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि 32 होता है, इसके बाद इसमें 32 होगा और उसके बाद डाउन होता जाएगा, यानी 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि k कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, l कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, m कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और n कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है। परंतु सेकंड रूल्स कहता है, इसका दूसरा नियम कहता है कि चाहे वो कोई भी कोष हो, चाहे वो m हो, n हो, p हो, कोई भी कोष हो, भले उसके नियम के अनुसार 32 या 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन जो कोष आउटर है यानी सबसे बाहर उपस्थित है, आउटर सेल है, तो उस आउटर सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। यानी किसी बाहरी कोष में, दूसरा नियम कहता है किसी बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। फिर तीसरा नियम कहता है कि जब k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो l भरते हैं, जब l में 8 भर जाता है तो m भरते हैं, और जब m में 8 भर जाएगा तो n भरने लगेगा। यानी 8 भले 18 आता है, लेकिन 8 भर जाए तो n की शुरुआत हो जाएगी। भले ही n में 32 आते हैं, लेकिन अगर n में 8 भर जाए तो o की शुरुआत हो जाएगी। यानी जब किसी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो उसके तुरंत बाद अगले कोष की शुरुआत हो जाती है। वो बात अलग है कि उसमें 2 भर के और वापस पीछे आकर अपने पिछले कोष को पूरा किया जाता है, लेकिन 8 के बाद नए कोष की शुरुआत हो जाती है। तो किसी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन
पूरा करने के बाद नया कोष प्रारंभ होता है, नए कोष की शुरुआत हो जाती है। और चौथा नियम यह कहता है कि किसी भी बाहरी कोष में जिस प्रकार 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आता, उसी तरह बाहरी से पिछले में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ सकते। यानी बाह्यतम से पिछले कोष में, अठारह से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। तो किसी बाहरी कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन आप बाहरी से पिछले कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते हैं। तो ये चार रूल्स, केवल चार नियमों को आपको याद रखना है कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट रूल, दूसरा रूल इसका सेकेंड है जो इंपॉर्टेंट है, कि बाहरी कोष में 8 से ज्यादा अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। जब कभी भी किसी में 8 पूरा होता है तो उसके तुरंत बाद एक नया कोष की शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद फिर आता है कि जिस तरह बाहरी में 8 से अधिक नहीं हो सकता, उसी तरह बाहरी से पिछले में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते। तो चलिए अब देखते हैं, बनाते हैं इलेक्ट्रॉनों का भराव करते हैं और तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियम के अनुसार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला तत्व तो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका मतलब हाइड्रोजन में केवल एक परमाणु होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है सर। तो इसलिए सबसे पहला कोष लिखा जाएगा K, और K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, परंतु हमारे पास तो एक ही है, तो बस के नीचे लिख देना है 1। ये बस हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत ही आसान है। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, और हमें याद है कि पहले कोष में यानी के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर के कोष में हमने लिख दिया 2। ये होगा हीलियम का। अब अगला परमाणु होता है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3। तो हर कोष की शुरुआत के से करनी है, हर बार के से शुरुआत होगी। के हमें याद है के में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो पहले के को 2 तो भर लेते हैं, लेकिन भरना 3 है और भरे 2 है, अभी एक बच रहा है। तो एक नया कोष बनेगा L, और इसमें 1 भर दिया जाएगा, तो 2 और 1 टोटल 3 हो गए। इसी तरह से लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, यानी के कोष में करेंगे 2 और L कोष में कर देंगे आप 2। इसी तरह बोरॉन, बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5, यानी के कोष में 2 और बचे 3, तो L कोष में 3 हो जाएगा, क्योंकि L में अधिकतम 8 भर सकते हैं, K की तरह नहीं होता है, K में तो 2 से अधिक नहीं भर सकते थे, लेकिन L में हम 8 भर सकते हैं, तो यहाँ पर 3 हो गया। कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी K कोष में 2 और L कोष में 4। कार्बन के बाद आता है अगला नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो K कोष में 2 और L कोष में 5। फर्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आता ऑक्सीजन 8, के कोष में 2 और एल कोष में 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो के कोष में 2 और एल कोष में 7। और नियॉन, नियॉन का परमाणु क्रमांक 10, तो के कोष में भरा जाएगा 2 और L कोष में भरा जाएगा 8। यानी कि बाहरी कोष, अभी देखिए सबसे बाहर, सबसे बाद में लिखे हुए कोष को आपको बाहरी मानना है। बाहरी कोष में आपने 8 इलेक्ट्रॉन तो भर ही दिया। अब जैसे ही हम सोडियम पर पहुंचते हैं 11, तो K कोष में भर जाता है 2। अब L कोष में याद रखना है कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, जबकि हमारे पास अभी 9 शेष है,
तो एन कोस में आठ को भर देंगे, आठ से अधिक आ ही नहीं सकता, तो अब एक बच रहा हमारे पास, तो अपनी इच्छा से एक नया कोस बनाइए और इसमें डाल दीजिए एक। इसी प्रकार सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो आप करिए के कोस में दो, एल कोस में आठ और एम कोस में आ जाएगा दो। इसी तरह मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, यहाँ तीन हो जाएगा, सिलिकॉन 14 होता है तो यहाँ चार हो जाएगा, फास्फोरस 15 होता है तो यहाँ पांच होगा, ये ऐसे चलते रहेंगे, पांच हो जाएगा, सल्फर 16, 6 हो जाएगा, क्लोरीन 17, यहाँ 7 हो जाएगा और आर्गन, आर्गन का होता है 18, तो यहाँ पर 8, यानी कि के कोस में 2, एल कोस में 8 और एम कोस में 8, ये हो गया आर्गन, इनके ऐसे ही चलते रहेंगे। अब जब हम पोटेशियम पर पहुंचते हैं, के पोटेशियम जिसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखिए अब M में 8 से अधिक नहीं आ सकते, नियम के अनुसार M में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, परंतु अभी M बाहरी है और बाहरी कोष में 8 से अधिक नहीं भरा जा सकता, यहां से चेंजिंग शुरू हो जाती है, मतलब कि K कोष में हमने भरा 2, L कोष में हमने भर दिया 8 और M कोष में हम 18 भले आता हो, नियम के अनुसार 18 आता है, परंतु अगर हम 9 कर देंगे तो ये बाहरी कोष M है और बाहरी में 8 से अधिक हो गया, दूसरे रूल्स के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ 9 नहीं करेंगे, यहाँ पर 8 ही करेंगे और एक नया बना लेंगे और एक भर देंगे। जब कभी भी नया भरता है, नया बनता है, तो 2 से पहले नहीं रुकता। तो कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, इसका के कोष में 2, एल कोष में 8, एम कोष में भी 8 और एन कोष में 2। अब एम बाहरी नहीं है और इस 18 पर भरता है, अब ये बाहरी नहीं है, इसलिए परमाणु क्रमांक 21 स्कैंडियम का के कोष में 2, एल कोष में 8। अब ये बड़ा, अब हमने एन इसलिए बनाया था ताकि ये बाहरी ना रहे और वो हमारा टारगेट पूरा हो गया, तो अब एम में 8 की बजाय 9 करेंगे, क्योंकि इसको भरना भी तो है 18 तक, और एन में तो 2 ही रह जाएगा। अब ऐसे ये एन 2 चलता रहेगा, ये चलते रहेगा और ये बढ़ता रहेगा, यानी कि स्कैंडियम का टाइटेनियम, टाइटेनियम का 22, के कोष में 2, एल कोष में 8, अब ये 9 की बजाय बढ़ करके एम में हो जाएगा 10 और एन में रहेगा 2। इसी तरह बढ़ता जाएगा, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। जब आप जिंक पर पहुंचेंगे, ऐसे ही परमाणु क्रमांक जिंक 30 पर पहुंचेंगे, तो के कोष में हो जाएगा 2, एल कोष में 8 और ये एम है, एम बढ़ते बढ़ते ये एम में 18 पूरा हो जाएगा और एन आपका 2 ही रहेगा। अब जब ये 18 हुआ, तो जैसे ही गैलियम 31 पर पहुंचिए, तो के कोष में 2, एल कोष में 8, एम कोष अब 18 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो 18 अब इसमें बढ़ेगा, एन में 2 की बजाय हो जाएगा 3। अब ये बढ़ता रहेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक ये 36 ना हो जाए, यानी कि 8 पूरा ना हो जाए। परमाणु क्रमांक 36 क्रिप्टॉन का है, 36 पर जब आप पहुंचेंगे, इसको बढ़ाते रहना है 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, तो क्रिप्टॉन पर के कोष में 2, एल कोष में 8, एम कोष में 18 और एन कोष में 8 पूरा हो जाएगा क्रिप्टॉन पर। क्रिप्टॉन के बाद जब आगे बढ़ते हैं रुबिडियम 37 पर, तो रुबिडियम जिसका परमाणु क्रमांक 37 है, के कोष में 2, एल कोष में 8, एम कोष में 18 और एन कोष में 8। नियम के अनुसार एन में 32 आता है, पर आपको 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरने नहीं, क्योंकि ये आउटर है, तो फिर एक नया बनाइए ओ और इसमें भर दीजिए 1। रुबिडियम, रुबिडियम के बाद स्ट्रॉन्सियम,
एस आर स्ट्रॉन्सियम 38, यहाँ के कोश में 2, एल कोश में 8, एम कोश में 18, एन कोश में ये हो जाएगा 8 और ओ कोश में 2 होता है। जब इसमें 2 भर जाए तो स्ट्रॉन्सियम के बाद यट्रियम, जब 39 पर पहुंचिए यट्रियम 39, तो फिर अब ये 2 हो गया और नियम के अनुसार इसमें 32 आता है, तो इसको अब 18 तक पहुंचाएंगे, यानी कि यट्रियम में के कोष में 2, एल कोष में 8, एम कोष में 18, एन कोष में अब ये 9 हो जाएगा, जैसे यहां 9 का 11 बार हुआ था अब ये 9 होगा, और यहां पर ओ कोष में अब 2 ही रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक कि ये पूरी तरह से कंप्लीटली 48 ना हो जाए। 48 पर जाकर के ये 18 पूरा हो जाता है, तो परमाणु क्रमांक 48 पर जब आप पहुंचेंगे तो इसका क्रम 18 पूरा हो जाता है। ये चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक कि ये 18 पूरा ना हो जाए। परमाणु क्रमांक 48 ये है कैडमियम, कैडमियम 48, इसका के कोष में 2, एल कोष में 8, एम कोष में 18, एन कोष में भी 18 और उसके बाद ओ कोष में आता है 2। उसके बाद जब हम 49 पर पहुंचते हैं तो फिर अब ये बढ़ेगा, ये के कोष में 2, एल कोष में 8, एम कोष में 18, एन कोष में 18 और ओ कोष में अब 3 हो जाए। ये 54 पर जाकर परमाणु क्रमांक, जब 54 पर आप पहुंचेंगे तो के कोष में 2, एल कोष में 8, एम कोष में 18, एन कोष में 18 और ओ कोष में इसका 8 पूरा हो जाता है। इस तरह से आप परमाणु क्रमांक 54 तक सही सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिए। इसके बाद 54 के बाद जब आप 55 पर पहुंचेंगे तो 55 पर फिर अब एक बाहर नया बनेगा, यानी कि अगर आपको 55 का बनाना है तो के कोष में 2, एल कोष में 8, एम कोष में 18, एन कोष में 18, ओ कोष में 8 और एक नया बन जाएगा पी और पी में हो जाएगा 1। इसी तरह से अब फिर 56 में के कोष में 2, एल कोष में 8, एम कोष में 18, एन कोष में 18, ओ कोष में 8 और पी कोष में 2। यहां से फिर चेंजिंग होगी, यहां से परिवर्तित होगा, जैसे ही आप लेंथेनम 57 पर पहुंचेंगे, देखिए बाह्यतम से पिछले में 18 तभी होगा जब उससे पिछला भरा हो और नियम के अनुसार एन में 32 होना चाहिए था, हम 18 पर रोके हुए हैं तो फिर पीछे आना है और इसको 19, 20, 21, 22 करके 32 तक ले जाना है, यानी 57 से शुरू होगा और ये 70 तक चलेगा, यानी कि आप देखिए लेंथेनम का 57 का के कोष में 2, एल कोष में 8, एम कोष में 18 और एन में 19 हो जाएगा और ओ में 8 और पी में 2 चलता रहेगा। ये 19, 20, 21, 22 करते करते एकदम लास्ट में पहुंच जाएंगे, तो जब 70 होगा, परमाणु क्रमांक 70 पर आप पहुंचेंगे तो के कोष में 2, एल कोष में 8, एम कोष में 18, एन कोष में ये 32 पूरा हो जाएगा, ओ कोष में 8 रहेगा और पी कोष में 2 रहेगा। अब उसके बाद जब ये 32 हुआ तो फिर आगे बढ़ना है और इसे 18 पूरा करना है। जब ये 18 हो जाएगा तो इसके बाहर जाके इसको 8 पूरा करिए, जब ये 8 हो जाएगा तो उसके बाहर जाना है और उसको 2 करना है, 2 करने फिर पीछे आना है, जिस प्रकार हमने
इसे 18 से 32 तक पहुंचाया, उसी तरह ओ को आप 18 से 32 तक ले जाइए, वहां ले जाएंगे तो 102 हो जाएगा। 102 तक जाते जाते ओ 32 हो जाता है, ओ 32 होने का फिर बाहर जाइए और यहाँ पी को 18 करिए जो 112 पर पूरा होगा, और P को 18 करने का लास्ट में Q को 8 कर लीजिए, 118 आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार आप 1 से 118 तक का लगातार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है। अगले वीडियो में बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की एक और दूसरी विधि, आधुनिक विधि जिसे आफबाउ विधि कहते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार तत्वों की संरचकता बताता है, किस प्रकार ये ऑक्सीकरण अवस्था बताता है, और अनेकों गुण होते हैं जो आपको ट्रिक के साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले इसी तरह की वीडियो और जानकारी भरे ज्ञान लेने के लिए, आपकी केमिस्ट्री के पढ़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू।